कि आपको पता है लास्ट की क्लास में हमने ग्राफ स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आज ग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, ग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा था लास्ट? मैंने आपको बोला था कि दो तरीके के ग्राफ हमें पढ़ने, एक XT का और एक हमें पढ़ना है VT का, ठीक है। तो अभी हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो किसका किया था? XT का। और XT वाले के अंदर भी मैंने आपको कुछ करवा दिए थे, एक बार रिवाइज फिर कर लेते हैं। XT के ग्राफ हमने जो देखे थे, सबसे पहला हमने फर्स्ट का A पार्ट जो देखा था वो कैसा देखा था? इस तरीके का। फिर इसी का हमने सेकेंड पार्ट देखा था, सॉरी फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट, जो किस तरीके से जो लाइन पे ही था, ठीक है। तो ये दो हमने करे थे। फिर इसके बाद हमने सेकंड वाला केस कौन सा देखा था? जब हमारा इस तरीके की लाइन है। और तीसरा हमने कौन सा देखा था? तीसरे का ए, ये वाला, और तीसरे का बी, जब ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ हमने कल देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अब चलिए इसी को आगे कंटिन्यू हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्राफ आ रहा है हमारा फोर्थ ग्राफ जो हमारा होने वाला है, यही फोर्थ का ए है, ठीक है। फोर्थ का ए ग्राफ जो है वो इस तरीके से है। ये हमारा टी है, बात नहीं, ये हमारा एक्स है। चलिए अब बताइए इसका स्लोप, स्लोप के बारे में बात करनी है ना। जो भी स्लोप होगा वही हमारा स्पीड होगा। चलिए स्लोप के बारे में बताएं। सबसे पहले मुझे बताओ इसका स्लोप जो है वो कैसा है? नेगेटिव से नेगेटिव है, चलिए ठीक है, मान लिया। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये कांस्टेंट है। थीटा जो है वो हर पॉइंट पे क्या है? सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो स्लोप है वो कैसा है? कांस्टेंट है। उसके अलावा स्लोप जो है वो नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि 90 से ज़्यादा है। अगर आप ये सारे थीटा देखोगे, ये 90 से क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, कांस्टेंट हो गया तो अब यहाँ बढ़ने की घटने की बात तो होगी नहीं, बस हमें ये पता है कि स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। अब जो चीज़ स्लोप के साथ होती है वो किसके साथ होगी? वेलोसिटी या स्पीड के साथ। तो वेलोसिटी इसकी कैसी है? कांस्टेंट, और कैसी है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? जीरो। अभी भी जीरो क्यों होगा? बिकॉज अभी भी हमारी वेलोसिटी कैसी है? नियत है, नियत यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अगर आप पिछले वाले और इस वाले में फ़र्क देखेंगे तो फ़र्क क्या है? उसमें भी कांस्टेंट था, इसमें भी कांस्टेंट था, बट इसमें नेगेटिव है और उसमें पॉजिटिव है। तो इसका मुझे नाम बताओ क्या क्या बनेंगे। क्या ये हमारा यूनिफॉर्म है? तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति का ग्राफ है, ठीक है। लिख लेना समान, बात मत करो, समान गति का ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा और नाम बताओ। तो ये अभी जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो त्वरण वाला ग्राफ हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी, हाँ, और नेगेटिव वेलोसिटी वाला हो गया। तो आप ये सारे नाम इसके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्थ का ए ग्राफ, जिसके अंदर लाइन हमारी अब ऐसी है, जब आपकी ढाल कैसी है? नेगेटिव की है। इसी का जो हमने कंपैरिजन किया वो इससे किया है, जब लाइन ऐसे होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? समझ में आ गया, ये पॉजिटिव स्लोप है और वो नेगेटिव स्लोप है। चलिए समझ में आ गया। अब इसी का बी पार्ट क्या होगा? जब ये कहीं से भी कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूँ ये यहाँ से ऐसे हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस ये इनिशियल जो है ये बदल जाएगा, ठीक है। तो बी वाला जो है मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, आप इसको देख लेना, आंसर सब सेम ही रहेंगे, बस दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या होगा? अब ये लाइन थोड़ी नीचे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा फर्क क्या है? एक्स कम हो गया, बाकी दोनों का रिजल्ट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज दोनों का रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, बस ये इसका एक्स थोड़ा ज़्यादा है, इसका एक्स थोड़ा कम है। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे वाले पे चलते हैं। पहले एक्स टी के दो भी बाकी हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पहला वाला देखा रेस्ट ग्राफ। आपने एक चीज़ नोट करी है कि अभी तक त्वरण नहीं आया है, अभी तक एक्सेलरेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी तक या तो वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि नियत है।
अब यहाँ से स्टार्ट हमारे जो दो ग्राफ होंगे उसमें हमारी अब वेलोसिटी बदलेगी। चले आगे, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, अब इसके अंदर या तो आपका ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा x है, ये हमारा t है। अब अगर मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूँ तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो थीटा है इंक्रीजिंग, ये देखो बढ़ रहा है, पर ये एक चीज़ ध्यान रखना, कभी 90 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, बट धीरे धीरे थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर थीटा बढ़ रहा है तो यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्यों है, 90 से तो ये कम ही रहेगा, तो अगर आपकी ढाल 90 से कम है तो वो पॉजिटिव होती है। अब ये सारी की सारी चीजें किसके लिए होंगी, वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है और कैसी है, पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ वेलोसिटी जब बढ़ती है तो क्या आता है, त्वरण आता है, तो एक्सेलरेशन आ रहा है और प्लस का है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था ए पॉजिटिव कब होता है, जब स्पीड बढ़ती है, तो यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसीलिए हमारा ए कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है सभी को? चलिए, अगर ये इधर बना दूं तो बस वो नेगेटिव में हो जाएगा, पर असल में रिजल्ट तो यही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके नाम बताओ अब, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। हाँ, सबसे जो मेन नाम जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि अब ये सामान्य गति नहीं है, जब भी त्वरण आ जाता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, है ना। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं असमान, ठीक है, असमान गति का ग्राफ है, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पर बात करें, अगर आप देखोगे उससे अच्छा और क्या है, त्वरण वाला। अब इसमें क्या आ गया, त्वरण आ गया, तो इसको एक्सेलरेशन ग्राफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ग्राफ, यानी कि त्वरण का ग्राफ है। अभी तक हमने त्वरण को नहीं देखा, और क्या हो सकता है, अब ये नियत वेग नहीं है, अब ये क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील वेग, है ना, परिवर्तित वेग का ग्राफ जो बदल रहा है वेग, और त्वरण यानी कि त्वरित ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ के नाम हो गए, और भी ग्राफ लिख सकते हो, पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ, है ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ, ये तो सब और भी नाम आप लिख सकते हो, बट ये कुछ जो नाम मैंने बताए हैं ये इससे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, फिफ्थ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा, पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला तो ये भी है नेगेटिव वाला। अब चले आगे, नेक्स्ट देखिए हमारा इसका एक्स टी का लास्ट ग्राफ, सिक्स्थ ग्राफ, ये हो गया। अब बताओ इसमें, ये हमारा ग्राफ है, अब ये जो लाइन है ये इस तरीके से, अब बताओ इसके अंदर सेम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है और घट रहा है, कैसा है, नेगेटिव है और घट रहा है, तो बताओ स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ क्या होगा, तो वेलोसिटी भी घट रही है और नेगेटिव है, पर वेलोसिटी तो बदल रही है ना, और वेलोसिटी जब घटती है तो क्या आता है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी कि मंदन, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, मंदन की, और मंदन का मतलब होता है नेगेटिव त्वरण, है ना, नेगेटिव त्वरण। अब इसके नाम बताओ मुझे, नाम बताओ, अभी भी ये नॉन यूनिफॉर्म है, हाँ बिल्कुल है, जब भी त्वरण आए या मंदन आए उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान गति का ग्राफ है। इसके अलावा ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, मंदन का ग्राफ है, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी अभी भी वेरिएबल है, बढ़ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ, है ना। तो वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हम लिख सकते हैं, बट ये दो थोड़े से मेन है। अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, जरूरी नहीं है एक नाम का एक ही ग्राफ हो, एक नाम के बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। जैसे जीरो एक्सेलरेशन के ग्राफ हमने देखे बहुत सारे थे, चार ग्राफ थे। वैसे ही अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो एक्सेलरेशन ग्राफ ये है, बट ये नेगेटिव का है, बट आगे जाके हम जो वी टी के पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के ग्राफ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे एक्स टी के ग्राफ। अब इन सबको मिला के मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका अच्छे से जवाब देना। यहाँ तक सभी का हो गया, चलो एक बार उतार लो इसको। अब मैं एक मिक्स क्वेश्चंस देता हूं ताकि हम एक्स टी ग्राफ को और अच्छे से समझ लें, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक ग्राफ है, ये हमारा टी है, ये हमारा एक्स है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है।
ठीक है, ये आपका 0, 1, 4, 5, ठीक है, और ये आपका 3। क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, ठीक है, ये पॉइंट O है, A, B, C। अब सबसे पहले आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया आपका इधर वाला, अब इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बस ये बताओ, O से A क्या हो रहा है, O से A क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप कैसा है, नियत है, नियत है। तो मुझे बताओ पहली चीज, तो इस पूरे ग्राफ में त्वरण कहां पर आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन हर जगह पर क्या है, जीरो है। उसका रीजन, क्योंकि देखो O से A की अगर बात करें तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, A से B की बात करें तो वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि ये रेस्ट है। अगर आप देखोगे कि ये लाइन सीधी है, सीधी लाइन का मतलब होता है कोई स्लोप नहीं है। और अगर मैं B से C की बात करूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भी हमारा त्वरण जीरो है। तो ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो सब में त्वरण कितना आ गया, जीरो आ गया। अब अगला क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, एक और क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे पूछ ले, बताओ इस पूरे के अंदर आपसे पूछ ले, AB जो है ये एक लाइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे रेस्ट पे है। OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, है ना। और बी से सी क्या कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है बट घट रही है। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, नाम से पूछ सकता है। थर्ड टाइप का होता है कि आपसे वेलोसिटी पूछ ले। अब मुझे यहां से बताओ, ओ से ए इसकी वेलोसिटी कितनी है, ओ से ए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मेरे को बात बताओ। ये क्या है, सीधी लाइन है, तो इसका जो स्लोप है वही इसकी वेलोसिटी है। मुझे बताओ ना, स्लोप जो होता है वही तो वेलोसिटी होती है, तो इस लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते क्या? अब आपको बोले नहीं सर, अगर यहाँ से निकालेंगे अलग आ जाएगा, नहीं, ये कांस्टेंट लाइन है, और जब कांस्टेंट लाइन होती है तो स्लोप कहीं से भी निकालो सेम ही आएगा ना। हमें ये पॉइंट्स दिए हुए, अब इस पॉइंट को देखो ऐसे दिया हुआ है, ये लाइन है, ये अब बात मत करो ना, ये वाली क्या है, 3 है, ये वाली दूरी कितनी है, 1 है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा कर दो, वाई अपॉन एक्स होता है। यहाँ पर वाई क्या है, 3, एक्स कितना है, 1. तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अगर मैं पूछ लूँ ए से बी वेलोसिटी कितनी है, 0, कारण रेस्ट है ना, बात समझ में आ गई। और अगर मैं बोलूँ बी से सी, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, पहली बात तो माइनस की होगी, सही बात है, पर कितनी होगी, स्लोप निकाल दो ना, स्लोप तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल दो, तो ये कितनी है, 3, और ये कितना है, वही सेम आएगा, -3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। तो ये सारी वेलोसिटीज बता दी मैंने, ये एक्सेलरेशन सब जगह जीरो है, और नाम आपको पता ही है, ग्राफ देख के आप बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर हो सकता है कॉम्बिनेशन ना करके आपको एक ही लाइन का पूछ ले, बट मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी है, ठीक है। चलो उतार लो इसको, टेन थीटा पे नहीं पढ़ना है, जस्ट बस ध्यान रखो वाई अपॉन एक्स, है ना, अपने वाई एक्सिस देखनी और एक्स एक्सिस देखनी, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। चले आगे, एक मिनट सर। अब नेक्स्ट कौन से ग्राफ पढ़ेंगे, वीटी के, ठीक है, सेम ग्राफ है, सेम डिजाइन है, बट अब रिजल्ट बदल जाएगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा वीटी का ग्राफ। अब देखिए वीटी ग्राफ की बात करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बट अब रिजल्ट बदल जाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ जो यहाँ पर हम लिखेंगे, मुझे एक बताओ कि स्लोप जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ढाल, ढाल जो होती है वो एक्सटी ग्राफ की क्या बताती है, वेलोसिटी। अभी हमने देख लिया, अब बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ढाल जो वीटी की होगी वो हमें क्या बताएगी, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, बस यही फर्क है। यानी कि अब आपको स्लोप से क्या समझना है, स्लोप से क्या समझना है, त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। अब मेरे को बात बताओ, यहाँ पर सारे डायग्राम सेम रहेंगे, सारे ग्राफ सेम रहेंगे, बट अब ग्राफ किसका हो जाएगा, वीटी का। जो भी हमने स्लोप के बारे में समझा है वो सारा का सारा किस पे थोप देंगे, एक्सेलरेशन पे, फिर उसके आधार पर उनके नाम लिख देंगे। पहली चीज़ तो हमेशा दिमाग में रखना, जिसमें भी एक्सेलरेशन आ गया वो ग्राफ कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता,
वो नॉन यूनिफॉर्म ही कहलाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी बदली है, और वेलोसिटी अगर बदल गई है तो अब वो मोशन यूनिफॉर्म यानी कि सामान्य गति का नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि ये वी टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। ठीक है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लेना। अब यहाँ से आते हैं, चलिए ग्राफ के बारे में बात चलें आगे। ओके, पहला ग्राफ लेते हैं, फर्स्ट ग्राफ, ये है हमारा सीधी लाइन, ये हमारा टी, ये हमारा वी। चलिए स्लोप बताओ इसका, जीरो, मतलब जीरो स्लोप, ढाल तो है ही नहीं इसमें, स्लोप जीरो, तो अब कौन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो। अब मेरी बात सुनना, एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब होते हैं, या तो वस्तु रुकी हुई है या वस्तु एक समान वेग से या फिर वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन है ना। आप मुझे बताओ यहाँ पर ये कौन से वजह से जीरो हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये रेस्ट नहीं है, क्यों? ग्राफ देखो, टाइम निकल रहा है बट एक ही वेलोसिटी से वो चल रहा है, बात समझ में आ गई। तो इस केस में ध्यान रखना वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। अभी प्लस में है कि माइनस में, ऊपर है तो प्लस, अगर यही लाइन नीचे होती तो माइनस, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके नाम बताओ मुझे, यूनिफॉर्म मोशन, पहले एक्सेलरेशन जीरो आ गया, वी कांस्टेंट है, तो क्या ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। जब जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है, गति कौन सी होती है, सामान्य गति का ग्राफ होता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का है, एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, जीरो एक्सेलरेशन, बात समझ में आ गई। और भी आप इसके नाम रख सकते हो, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब इसके भी मैं बहुत सारे केस बना सकता हूँ ना, जैसे कि इसके मैं और बना देता हूँ, बाकी सारे मैं नहीं करवाऊँगा, बस समझ जाना। ये अगर हमारा VT का ग्राफ है, अब लाइन हमारी यहाँ है, negative, है ना, ये हमारा VT है बट लाइन अब इसके ऊपर है, तो अब क्या होगा, सॉरी ये V है, T, ये रेस्ट पे है, बात समझ में आ रही है। इस लाइन में क्या खासियत है, ये भी स्लोप जीरो है, यहाँ भी त्वरण जीरो है, बट यहाँ त्वरण इसकी वजह से यहाँ पर अलग था, यहाँ पर जीरो किसकी वजह से हुआ था, कांस्टेंट वेलोसिटी, बट यहाँ पर अब वो चला ही नहीं, तो उसकी वजह से जीरो है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले वीटी ग्राफ में रेस्ट का ग्राफ कौन सा होता है, तो इसी को मैं फर्स्ट का ए बोल देता हूँ, फर्स्ट का सेकेंड यहाँ कर लेते हैं, फर्स्ट का बी, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रेस्ट बता रहा है, ठीक है, ये हमारा V, ये हमारा T, ये हमारी लाइन, ठीक है। तो इसका नाम बस क्या रहेगा, अभी भी स्लोप क्या है, जीरो, तो अभी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, बट ये किसकी वजह से है, रेस्ट की वजह से, तो यहाँ पर वेग भी अभी क्या है, जीरो, तो आप नाम लिख सकते हैं। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज चली नहीं गाड़ी, तो वेलोसिटी यानी कि वेग अगर नहीं होगा तो ये सामान्य गति कैसे होगी, क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट के दो पार्ट हो गए। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको चले आगे लेके, पहले हो गया ये वाला। अब मुझे एक चीज इसमें बतानी है, देखो क्वेश्चन ये है, इसको क्वेश्चन मानना, क्वेश्चन ये है, ये वी टी का ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफ में ये लाइन बन रही है, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि ये ग्राफ किसके बराबर है अगर हम उसको एक्स टी में बनाएं, ठीक है, मैं सारे ग्राफ बना रहा हूँ, बनाने तो दे, ये सारे के सारे एक्स टी में है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ग्राफ एक दूसरे के बराबर है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। पहली चीज तो बताओ, इससे हमने स्लोप को नहीं देखना है। अब कोई बोलेगा सर स्लोप जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर देख लो स्लोप जीरो किसका है, बट ये आंसर अलग है। यहाँ पर स्लोप जीरो से जीरो क्या आया था, त्वरण, त्वरण जीरो का मतलब वेग कांस्टेंट, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, तो आपको इसमें से वो ग्राफ देखना है जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और प्लस में है, तो वो कौन सा है, ए, बात समझ में आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। अगर ये यहाँ पर होती लाइन तो ये रेस्ट ग्राफ है, तो रेस्ट वाले में फिर हम ये वाला चूज कर सकते हैं, अगर जब तक हमें अगर वो दिया नहीं हुआ इनिशियल, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको उतार लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है। तो वी टी ग्राफ को एक्स टी ग्राफ में मैंने बदल दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी त्वरण जीरो है, यहाँ भी त्वरण जीरो, यहाँ वेग कांस्टेंट है, यहाँ वेग कांस्टेंट है। आपको ढाल नहीं देखनी है, ढाल देख लोगे तो दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ढाल दोनों में सेम है, ठीक है, मतलब अलग अलग है बट रिजल्ट दोनों का सेम है, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, फर्स्ट ग्राफ हो गया,
फर्स्ट का ए और बी मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट, सेकंड ग्राफ याद करो, वहां पर सेकंड ग्राफ कौन सा था? वो वाला तो मैं कर नहीं रहा, बाकी वो तो होगा ही नहीं, है ना। मैं जो हो रहा है उस पर आ रही हूँ, अब बात करता हूँ उस पर, ठीक है। ये वाला ग्राफ देख लेते हैं, अब बताओ इंक्रीज इन एक्सेलरेशन इसका क्या मतलब था? स्लोप के बारे में बताओ मुझे, ढाल, इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव, नियत ढाल है और कैसी है? धनात्मक। तो हमारा त्वरण क्या है? कांस्टेंट, और कैसा है? पॉजिटिव। जो चीज स्लोप के साथ हो रही है अब किसके साथ होगी? एक्सेलरेशन के साथ। अब थोड़ा सा बैक चलो और मुझे बताओ, हमने केस पढ़ा था जहां पर त्वरण नियत होता है, त्वरण कांस्टेंट होता है और पॉजिटिव होता है, कौन सा केस होता है? हाइपरबोला। नहीं नहीं, ग्राफ से भी पहले चलो, जहां मैंने त्वरण पढ़ाया था, एक्शन जहां मैंने पढ़ाया था ना, वहां पर आपको मैंने केस बताया था जहां पर ए कांस्टेंट रहता है और पॉजिटिव रहता है, जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये किसका ग्राफ है? जी का। ये कब है? जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, सही बात है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? कौन सा सुनना सुनना, नहीं नहीं 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखो जो जी होता है वो कांस्टेंट होता है, तो टाइम के साथ जी का वैल्यू क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ये और ये, अभी देखो ए यहाँ पर आ रहा है, वी के साथ क्या होता है? वी बढ़ता है। अगर हमारा जी कांस्टेंट है बट हर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो जो बढ़ने की जो दर है, रेट है, वो तो सेम रहेगी, बिकॉज ए हमारा कांस्टेंट है। हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 10 10 10 10, मैंने बताया था। तो इस ग्राफ से वही समझ में आ रहा है ना, हर सेकंड जो स्पीड और इसका जो रेशियो है वो सेम नहीं रहेगा क्या? बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि ये एग्जांपल है किसका? फ्री फॉल का। फ्री फॉल का अगर आप ग्राफ बनाओगे वी और टी के बीच में, तो यही तो बनेगा, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यही तो लाइन बनेगी सीधी। बात समझ में आ गई? अगर ऐसे बनाते इसका मतलब वो सेम है, और कैसे बनाओगे ना? तो ऐसे बनाने का मतलब होता है कि वो समय के साथ बढ़ रहा है और सेम रेट से बढ़ रहा है। अदरवाइज अगर हम और देखेंगे, कर्व वाला देखेंगे, वो क्यों नहीं होगा? बिकॉज वहाँ बढ़ तो रहा है बट सेम अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है ना, बट यहाँ पर सेम अमाउंट से हमारा वी बढ़ रहा है। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ इसके नाम, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्या ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? बिकॉज अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया, इसके अलावा एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और एक्सेलरेशन में भी कौन सा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ है। और नाम बताओ, वेलोसिटी इंक्रीजिंग ग्राफ, बढ़ते हुए वेग का ग्राफ भी हो सकता है। तो बहुत सारे नाम आप इसके रख सकते हो, बट मेन ये होता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है, क्या ये एक्सेलरेटेड त्वरित ग्राफ है कि नहीं है, बस ये थोड़े से मेन रिजल्ट होते हैं। और ये त्वरण भी कैसा है? कांस्टेंट है, नियत है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन ग्राफ। क्लियर है? तो ये वीटी का ग्राफ हो गया हमारा सेकेंड। अब बताओ तीसरा, अब मैं सबके नाम बार बार लिखूंगा नहीं, मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नाम आपको देखना आप, ठीक है। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले के अंदर, अच्छा इसमें भी अगर मैं देखूं, सेकंड में भी बी पार्ट, अब ये हमारा वीटी का ग्राफ है, अब बताओ इसका क्या मतलब है? विद इनिशियल वेलोसिटी, जैसे जब अपन मोशन के क्वेश्चन करते हैं ना, एक गाड़ी जो है वो 10 से चल रही थी, फिर थोड़े टाइम बाद उसकी स्पीड 50 हो गई, तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये 10 से स्टार्ट हो रही है, तो ये ग्राफ 10 से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में फर्क क्या है सबसे बड़ा? इसमें हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये जो ग्राफ है ये तब स्टार्ट हो रहा है जब प्रारंभिक वेग कितना है? शून्य है, पर यहाँ पर प्रारंभिक वेग अब शून्य नहीं है, उसके साथ कुछ वैल्यू है, और इसी को यू बोलते हैं, है ना। यू हमारा क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो आप इसके नाम लिख लेना, बाकी ये इसी के साथ आएगा, इसी कैटेगरी में, पर दोनों का आंसर सेम रहेगा। इसका भी हमारा जो ढाल है वो नियत है, बढ़ रही है, सॉरी नियत है और पॉजिटिव है, तो सेम एक्सेलरेशन के साथ भी वही रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, सॉरी हाँ थर्ड पे, थर्ड बताओ। अब मैं सीधा ग्राफ बनाऊंगा, आप खुद लिख लेना, ठीक है। अब ये हमारा थर्ड है, तो फिर मैं फोर्थ बना देता हूँ, फोर्थ हमारा ये है और फिफ्थ हमारा
अब सेम ग्राफ है, कोई फर्क नहीं है, बस अब मैं बार बार नहीं एक ही चीज बताऊंगा, आप बस फटाफट मुझे बता दो त्वरण के साथ क्या हो रहा है। इधर बताओ, ए जो है वो कांस्टेंट है बिल्कुल, और कैसा है, नेगेटिव है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये कौन सा ग्राफ है जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो, क्योंकि जी कांस्टेंट है ना, पर अब वो स्पीड घट रही है। तो आप वही देखो, टाइम जब निकल रहा है तो स्पीड या वेलोसिटी घट रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये वो वाला ग्राफ होता है जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो ये ग्राफ का नाम भी नॉन यूनिफॉर्म है। पर ये त्वरण कैसा है, नेगेटिव है, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, हिंदी में लिख लेना मंदन। तो ये मंदन का ग्राफ हो गया, बट मंदन भी कैसा है, नियत है, क्योंकि यहाँ पर नियत मंदन से वो चल रहा है। और ये किसका एग्जांपल है, जब किसी चीज को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, और जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, इसके बारे में बात करते हैं। इंक्रीज एक्सेलरेशन, इसका बताओ, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, बस, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव है, बस। तो क्या इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बट जो बढ़ने की दर है वो अब बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है। पहले 10 से 20 हुआ, फिर 20 से सीधा 40, फिर 40 सीधा 100, तो रेट भी बढ़ रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर भी वही होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, असामान्य होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वेग बदल रहा है। बट इसमें फर्क क्या होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। और जस्ट इसका उल्टा ही है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ढाल घट रही है और नेगेटिव है। तो बताओ, त्वरण भी घट रहा है और नेगेटिव है, मंदन का है, नियत नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एंड में एक बता देता हूँ ट्रिक क्या है। ये देखो, ये कटोरा होता है, इस कटोरे को ग्राफ पे ऐसे डालो, तो देखिए, जो ये ऊपर की ओर जब कटोरा होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जब कटोरा उल्टा होता है तो ये आपका नेगेटिव होता है। क्लियर है, याद करने का तरीका है, ठीक है। तो जब ग्राफ इस तरीके से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और जब ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। सभी को क्लियर है, इसमें आपसे वैल्यू नहीं पूछेंगे, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है। अब मैंने इसको ढंग से नहीं लिखा, आप इसको अच्छे से लिख लेना, ये आपका काम है, बिकॉज सबके आंसर सेम ही है, ठीक है, तो हम इसमें समय खराब नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को, ग्राफ दोनों में सेम है, बट दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं ऐसे ही कि वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन, सामान्य गति का ग्राफ कौन सा बनेगा, जिसमें त्वरण जीरो है, हाँ, तो त्वरण जीरो वाला यही बनेगा, बाकी सारे नॉन यूनिफॉर्म है, बाकी सारे क्या है, क्योंकि सब में त्वरण आ रहा है, बात समझ में आ गई। अगर मैं एक्सटी में पूछूं, एक्सटी के अंदर ग्राफ बताओ यूनिफॉर्म का, तो उसमें बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये भी यूनिफॉर्म है और ये भी यूनिफॉर्म है, बात समझ में आ गई। तो दो है, क्लियर है। रेस्ट का ग्राफ बताएंगे तो दोनों में बना सकते हो, एक्सटी ग्राफ में रेस्ट का ग्राफ क्या है, ये, और इसके अंदर क्या है, ये वाला, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ग्राफ को इतना ही हमें पढ़ना है। बट अभी ग्राफ में तीसरा जो हमारा पार्ट रहता है वो रहता है डिस्प्लेसमेंट वाला, थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ। अब सुनना, अब ये थर्ड टाइप वाला जो ग्राफ है ये भी वीटी का ग्राफ है, पर पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैक नॉलेज देना चाहता हूँ, बहुत काम की चीज, आगे जाके भी काम आएगी। देखो, अगर ये मेरा ग्राफ है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, अब यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर वाई अपॉन एक्स स्लोप होता है, बात समझ में आ रही है, वाई अपॉन एक्स क्या होता है, स्लोप होता है, और ये एक वाई इंटू एक्स होता है, क्या होता है, वाई को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स से, तो ये जो होता है ना, ये होता है एरिया अंडर लाइन, जो भी लाइन होती है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, तो ये लाइन और एक्स के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला क्षेत्रफल। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपके सामने ये लाइन है, तो ये लाइन का जो ढाल है वो होता है वाई अपॉन एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वी टी का ग्राफ ले रहा हूँ, तो वी टी के ग्राफ में मुझे पता है वी बाई टी क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण हमें किससे मिलेगा, स्लोप से, बात समझ में आ रही है। और अगर मैं वी मल्टीप्लाई बाई टी करूं तो मुझे क्या मिलता है, विस्थापन, क्या मिलता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता, क्या
वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी इंटू टी। तो इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी? एरिया से। बात समझ में आ रही है? जब भी एक्स और वाई का गुणनफल कोई क्वांटिटी अगर देता है तो उसका हम आंसर निकालते हैं क्षेत्रफल से, और अगर y बटा x कोई क्वांटिटी होती है तो उसका मान कैसे निकालेंगे? स्लोप से। बात समझ में आ रही है? तो सेम vt का ग्राफ है, बट vt के ग्राफ से जो एरिया है वो हमें देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट या दूरी। और अगर vt ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है। ये सिर्फ यहीं पर नहीं, आगे जाके भी काम आएगा। जैसे कार्य, कार्य का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फोर्स इंटू क्या होता है? है ना, बल इंटू विस्थापन। तो अगर मैं एफ डी का ग्राफ बना रहा हूं तो इस लाइन का एक्स के साथ जो क्षेत्रफल है ये क्या बताएगा? कार्य, कार्य बताएगा ना। क्यों? क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हो गया ना, ये वाई है और ये एक्स है। क्लियर है? समझ में आ गया, इंटीग्रेशन वाली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर अब जो मैं आपको तीसरा टाइप करवा रहा हूं वो क्या है? वी टी का ग्राफ है, बट अब यहां से लेना क्या है हमें? डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना, VT ग्राफ का एरिया जो होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, है ना, ये क्या निरूपित करता है? विस्थापन या दूरी। वैसे तो हम सिंपल लीनियर मोशन कर रहे हैं, सरल रेखीय गति कर रहे हैं, सीधी गति कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। बस फर्क यहाँ पर यह आता है कि डिस्प्लेसमेंट प्लस और माइनस का भी हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा प्लस का रहता है। वो भी मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा। अब इसको बहुत अच्छे से समझना। पहली चीज, ये जो एरिया होता है ये किसके बीच में बनता है? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। जैसे अगर मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया, अब ये जो लाइन है मेरे पास ये एक्स के साथ भी है, y के साथ भी है, क्या ये वाला क्षेत्रफल ले या ये वाला क्षेत्रफल? तो हमेशा x के साथ लेना है। किसके साथ लेना है? नहीं, वैसे नहीं देखते, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे निर्भर नहीं करता, उसके साथ लेना होता है। अब ऑटोमेटिकली t हमारा x के साथ रहता है तो क्षैतिज के साथ ही लेना है। तो ध्यान रखना, एरिया किसके बीच में होता है? लाइन और x एक्सिस। क्लियर है? जो लाइन है और x एक्सिस के बीच का जो क्षेत्रफल है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन के रूप में लूंगा, बिकॉज इसमें अलग अलग टाइप के ग्राफ नहीं बनेंगे। हमें बस देखना है किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उसका एरिया कैसे निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे चलते हैं। सीधा क्वेश्चन लूंगा मैं और दोनों चीज़ समझाऊंगा आपको। एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा VT का ग्राफ है, ये हमारी लाइन है, ये वैल्यू है 4, ये 0, ये ले लेते हैं 3। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन सुन ले। ये O है, पॉइंट O है। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फ्रॉम, इसको हम 0 सेकंड से 4 सेकंड में। तो पहला हमारा एक्सेलरेशन पूछ लिया, दूसरा पूछ रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी है सेम ही होंगे। डिस्टेंस फ्रॉम 0 सेकंड से 4 सेकंड। अब देखो दोनों ही अलग अलग प्रश्न है पर ग्राफ एक ही है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, जब हम त्वरण निकालते हैं तो इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगा इस लाइन का? स्लोप होगा y अपॉन x, सिंपल। तो y पे कितना है? 4। x पे कितना है? 3। तो स्लोप कितना हो गया? 4/3। 4/3 कितना होगा लगभग? ये हमारा 3 है, ये हमारा, अच्छा उल्टा, सॉरी सॉरी, ये 3 है और ये 4 है, सॉरी 3/4। तो ये 0. क्लियर है? तो ये हमें यूनिट भी लिखनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? सेकंड पे आओ। अब सेकंड में हमें एरिया निकालना है, तो एरिया किसका निकालना है? ट्रायंगल का। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ये एक ट्रायंगल बन गया, ये साइड कितनी है? 4। ये साइड कितनी है? 3। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? इसको ओ ए और इसको बी मान लेते हैं, तो ओ ए बी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जो होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना होता है? 4। 4 और ये हाइट कितनी है? 3 है। तो आंसर कितना आ गया? 6 मीटर। क्योंकि ये हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी विस्थापन, उसकी यूनिट क्या है? मीटर में। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ ये समझाने का मेन पॉइंट था कि इस ग्राफ से आप दोनों चीज़ें एक टाइम पे बता रहे हो, बस ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है। सभी को क्लियर है? चलिए ये हो जाए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ। चले आगे,
कई लोग उतार नहीं उतार रहे हो? यस सर। वो पेन चल रहा है उसका, अब चलाया पेन क्यों? समझ रहा था। जैसे वो होता है ना पानी उबलने के बाद भाप बन के उड़ जाता है समझने के बाद ये उड़ जाएगा जब तक इसको लिखेगा नहीं, भाप जैसे उड़ती है इसको पकड़ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाएंगे इसको अपन। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, फिर वो कल नहीं आएगा, कल भूल जाएंगे। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता था मैं नोट्स से अपने पढ़ाता था, अब तो चलो ठीक है इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो याद हो गया, जब ये क्वेश्चन मुझे याद थोड़ी है कोई, पर पॉइंट ये है कि टाइम के बाद होता है। आप तो अभी नए नए हो। हमारे भी थे एक, क्यों तो ऐसी कौन सी बात है? चलो कोई नहीं, बाद में बता देना। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए, अब देखते हैं कैसे करते हो इसको। ये हमारा टी है, ये हमारा वी है, बात नहीं। ये देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, ओके वैल्यू देख लो, ये दो है, एक, तीन, चार, पाँच, छः। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, देखो क्वेश्चन सुनना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स लिख देता हूँ, ओ ए बी सी डी ई। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि हमेशा अड़ते में ही पूरे का एरिया नहीं निकालना है, क्वेश्चन को पहले समझना है कि वो कहाँ का पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो तरीके से पूछ सकता हूँ, सुनना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम, या तो मैं आपको ओ ए बी की टर्म में दे दूँ, फ्रॉम बी टू ए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ फ्रॉम ए टू बी, बात समझ में आई? अब आपको पूरे का नहीं निकालना है, आपको कौन सी लाइन देखनी है? सिर्फ और सिर्फ ए बी। तो ए बी का और एक्स के बीच का तो ये वाले का क्षेत्रफल निकालना है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो जिसका पूछ रहा है उसी का निकालना है, जब तक वो ये नहीं कहता टोटल डिस्टेंस निकालो तो पूरे का निकालना है। अब देखो इसी को पूछने का एक और तरीका क्या है, टाइम के रेफरेंस में पूछ लूं। अगर मैं आपसे बोल दूं एक सेकंड से लेके, बीच में मत बोलो यार, एक सेकंड से लेके तीन सेकंड के बीच में, तो ये भी तरीका है। तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, तो अभी भी ए बी है ये, बट पूछने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो अभी तो मैं आपको पूरे का ही पूछ रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पूरे का ना पूछ के किसी एक पॉइंट का पूछ लें या दो का पूछ लें तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? अभी चलो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि नेगेटिव में भी है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल दूरी और टोटल विस्थापन निकालना है। अब मुझे बताओ दूरी जो होती है वो स्केलर राशि है, तो दूरी को फर्क नहीं पड़ता कोई नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में, तो डिस्टेंस में ये दोनों जुड़ जाएंगे। पर जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव, तो घटा दोगे। बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट में दोनों एरिया को घटाओगे, डिस्टेंस में दोनों को जोड़ोगे। पर अगर यही ट्राइंगल ऐसे ऊपर होता तो दोनों सेम होते। बात समझ में आ गई है? चलिए सॉरी इसको निकालो। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हाँ वो देखो, पहला तरीका तो ये है कि आप इस पूरे को, पूरे का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, ट्रेपीजियम होता है, अदरवाइज चाहो तो आप इसको तीन हिस्सों में बांट के भी निकाल सकते हो, आंसर वही आने वाला है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। ये इस तरीके की शेप, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, जिसमें दो समांतर भुजाएं होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं। ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं, बिकॉज ये एक एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, तो ये पैरेलल साइड होती है, ठीक है? लेट से तो इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा ये होती है हमारी हाइट, ये क्या होती है? हाइट। ये सम, ये हमारी दो पैरेलल साइड है S1 S2, तो फॉर्मूला होता है दोनों समांतर भुजाओं का जोड़ इंटू ऊंचाई, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये नहीं करना चाहते हैं तो इसको दो ट्राइंगल में बांट लो और एक स्क्वायर में बांट लो, तो भी आंसर वही आएगा, पर वो थोड़ा लंबा है, ये सिंपल है, तो डायरेक्ट ये लगाओ। चलो इसको मैं एरिया A1 बोल देता हूँ, ये एरिया A2 है। A1 का बताओ मान, हाफ इंटू ये भुजा कितनी है? AB दो, एक से तीन के बीच में, और ये पूरी की पूरी चार, तो दो
प्लस चार। ऊंचाई देखो, ऊंचाई ये वाली है, ये कितना है? दो है, तो आंसर कितना आ गया? सिक्स। छः मीटर। तो यहाँ का टोटल कितना आ गया? छः। इस पे आ जाओ। अब ये क्या है? सिंपल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है? दो, दो। हाइट कितनी है? तीन, तो कितना आ गया? तीन मीटर। अब जब हम दूरी निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? नौ मीटर। पर जब हम विस्थापन निकालेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे उसमें से, क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा हमारा थ्री मीटर। समझ में आई बात मेरी? तो ये तब है जब टोटल की बात हो रही है। अब मुझे एक जवाब आप देना, ठीक है? अच्छे से इसको समझना। मेरा है बी से ई का, बताओ बी से ई उसने कितनी दूरी तय करी? बी से ई डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। हूँ, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस। डिस्टेंस ओके सर, फोर। अब हाँ हाँ सुन लिया, पगड़ी पहन कर रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ सब आ रही है। देखो कहाँ से कहाँ पूछ रहा है? बी से ही। अब इसमें पूरा नहीं निकालना है, ऐसा नहीं है कि पूरा निकालने बैठ जाओ, पूरा नहीं करना है, सिर्फ बी से कहाँ देखना है। या तो बी से ही बोल देगा या बोलेगा तीन सेकंड से लेके छः सेकंड के बीच में कितना है, बात एक ही है। तो अब आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है? ये वाला और ये वाला। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है? दो, तो ये वन हो गया, और ये हमारा ऑर्डर निकाला था तीन, तो आंसर कितना आ गया? चार। पर अगर विस्थापन निकालते तो माइनस का दो। बात समझ में आ गई? माइनस क्या बता रहा है? दिशा। क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा ग्राफ का टॉपिक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ग्राफ में। तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, एरिया वाले कब आते हैं, स्लोप वाले कब आते हैं, ठीक है? चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। कल की क्लास में हम मोशन की इक्वेशंस पढ़ेंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तब तक सभी अपना ध्यान रखना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।